आज हम बहराइच के सरायकाजी गांव में, जो थाना फखरपुर में लगता है, यहां पर एक शादी की खुशियों में चंद लम्हों के अंदर यहां पर एक सन्नाटा छा गया और लोगों में चेहरे पे उदासी आ गई। मां की आंखों से आंसू छलक पड़े क्योंकि हालात ही ऐसे हो गए। आज यहां शादी थी और लड़की की बारात आनी थी और लड़के वालों ने बारात लाने से इनकार कर दिया। एक गरीब के घर पे किस तरीके से जुल्म ढाया जा रहा है, आप देख सकते हैं कि लड़की वालों ने जो कुछ उनके हिसाब से हो सका उन्होंने इंतजाम किया था। खाना बन चुका था, मेहमान आ रहे थे और मेहमान जा रहे थे। इसी दरमियान जब शाम के 4 बजने को आए, उस समय लड़के वाले जवाब देते हैं कि मोटरसाइकिल की मांग अचानक करते हैं, एक गरीब आदमी कैसे इंतजाम कर पाता, और लड़के वालों ने गाड़ी के लिए बारात लाने से इनकार कर दिया। हम उस घर में आ चुके हैं जहां पर आज बारात आनी थी और सारा इंतजाम हो चुका था, खाना बन चुका था, सारे मेहमान आ रहे थे, खाना खा रहे थे, जा रहे थे। किसी को ये खबर नहीं थी कि अभी कुछ घंटों के बाद में क्या होगा। लड़के वालों ने बारात लाने से किया इनकार। आइए, हम लड़की की माँ बैठी हुई है और यहाँ पर दुल्हन भी बैठी हुई है और सारे लोग उदास हैं, मायूस हैं। हम पूछते हैं इनसे, हाँ क्या हुआ था आज बारात देख लीजिए। अरे आप बोलिए, हिम्मत करके बताइए क्या हुआ आज। आपके घर में शादी थी, बारात कहाँ से आने वाली थी? अच्छा, लड़के के बाप का नाम क्या है? जाकिर। और लड़के का नाम? निजाम। निजाम नाम है। तो बारात आज कितने बजे आने वाली थी? बारात 12 बजे। 12 बजे, और अभी तक बारात नहीं आई। अभी क्या खबर मिली है, क्यों बारात नहीं आई? मिली है कि हमको गाड़ी बुलेट गया हो तो हम बारात ला सकते हैं, बुलेट नहीं दोगे तो हम बारात नहीं ला सकते। नहीं लाएंगे तो हम गरीब मने, हम कर्जा पानी कार के उधार व्यवहार सूती दाम लेके कोई नहीं जो हमसे हो सका तो नम लगा हुआ है। अब हम बुलेट कहाँ से लाए थे? अब जो हमरे बुलेट, अब हमरे इतनी उपाय है नहीं तो हम बुलेट लाए हम दे दी। तो अब हम अब यही हो सकत है भैया कि अब हम जहर हम खा ले, अपने बिटिया खा लिया। नहीं, ऐसा मत करना, ये गलत बात है, जहर खाना और खिलाना बिल्कुल नहीं पा रहे, खत्म ही कर भैया। लेकिन ठीक है, आपकी आवाज उठाई जा रही है, देखते हैं कि क्या होता है इसमें। और ये आप देख सकते हैं इस घर का मंजर क्या हो गया है। यहाँ पे सारे लोग परेशान हैं, सबके आंखें नम हैं और दुल्हन भी मायूस बैठी हुई है, सारे अरमा पे पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। अब आपको हम दिखा सकते हैं किस तरीके से, और उनकी माँ का रो के बुरा हाल है। आप देख सकते हैं उस घर की पोजीशन भी मैं दिखा रहा हूँ कि आप लोग देखें कि क्या हालात हैं उस घर के। और इस घर में बिल्कुल सन्नाटा सा एक मातम सा छा गया है, जहाँ बारात की कुछ घड़ी पहले एक किलकारी थी और अभी ये हाल हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये दहेज का सामान भी लगा हुआ है, गरीब आदमी जितना उससे हो सका वो उसने इंतज़ाम किया और ये दहेज के लोभियों ने एक गाड़ी के लिए बारात लाने से किया इनकार। ये थाना फखरपुर डिस्ट्रिक्ट बहराइच का मामला। बारात रुकनापुर से सरायकाजी आने वाली थी जो अब तक नहीं आके पहुंची यहाँ।